हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और आसान सा तरीका, जिससे कि आप आई शेडो किस तरह से लगा सकते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है उसका। जैसे कुछ लोगों को ब्रश से लगाने में दिक्कत होती है, आई शेडो इधर उधर फैल जाता है तो नहीं अच्छे से लगा पाते। आज मैं आपको बताऊंगी कि फिंगर से किस तरह और कितनी अच्छी तरह आप आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं, और बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपने उसे ब्रश से किया है या फिर फिंगर से किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और मैं दोनों आईज पे अलग अलग मेकअप करके दिखाऊंगी और दोनों ही फिंगर से करके दिखाऊंगी। सो आप देख सकते हैं कि मेरी आईज पर कोई भी मेकअप अभी नहीं हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये मेरे पास आई शेडो पैलेट है, आप देख सकते हैं। आपके साथ आपके पास कोई भी आई शेडो पैलेट हो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ब्लैक शेड ही लें, चाहे तो आप ब्रश से यूज़ करें या फिर फिंगर से यूज़ करें, ये मैटर नहीं करता। आप अगर ब्लैक शेड लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो सबसे पहले मैंने ये ब्लैक शेड लिया है। देखिए किस तरह लगाना है। ये जो आई का लास्ट ये कॉर्नर होता है, ठीक उसके ऊपर लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है ना ही नीचे लगाना है, ठीक ऊपर। ये देखिए इस जगह आप देख सकते हैं, और फिंगर से स्लोली रब करना है, इस तरह ब्लेंड करना है अपनी फिंगर से ही। देखिए आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा और लूँगी, आप धीरे धीरे कम लेकर करें, और उसको ब्लेंड करते हुए ऐसे गोल गोल आगे की साइड उसको लेकर आए। देखिए आप देख सकते हैं। देखिए मैंने ये लगा लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे मुझे लेना है, मैंने लिया ये ऑरेंज शेड। आप कोई भी शेड ले सकते हैं। ऑरेंज शेड लूँगी मैं, यहाँ ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ यहाँ से धीरे धीरे टैप टैप करते हुए लास्ट तक लाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, ऑरेंज वाला शेड है ये। अगर आप फिंगर से मेकअप कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपको जो अपना मेकअप है वो आईज़ के ज़्यादा ऊपर तक नहीं ले जाना है, वरना ये मेकअप ख़राब हो सकता है। आई शेडो जिस तरह आप लगा रहे हैं, और बहुत ही आराम से करें आप, बहुत जल्दबाजी में ना करें। एक दो बार आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे। फिर मैंने डार्क वाला शेड लेके हल्का सा इसको शेडिंग कर दिया। आप देख सकते हैं कि जो मेरे आईज है उस पर कैसा लग रहा है मेकअप, ये देखिए। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैं इस पर शिमरी आई शेडो आता है उसको लगाऊंगी। ये कभी भी जब हम ग्लिटर वाला आई शेडो यूज़ करते हैं तो उसको पूरी आईज पे नहीं, जो टॉप बॉल ये होता है बीच वाला सेंटर वाला पार्ट, उस पर ही यूज़ करें। देखिए एक बार लिया मैंने, मैं बीच वाला पोर्शन है केवल उस पर ही यूज़ करूँगी, इसको पूरी आईज पर नहीं करूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरी आईज का मेकअप, ये कितना प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हैं मैंने कोई भी ब्रश यूज नहीं किया है उसके लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, हल्का सा सिल्वर या गोल्डन शेड लेना है, और अपना आईब्रोज का जो ये वाला कॉर्नर होता है उस पर अप्लाई करना है बस। तो देख सकते हैं आप कितनी जल्दी आप बिना ब्रश के बहुत ही अच्छी तरीके से आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा, पता नहीं चल रहा मैंने ये ब्रश से किया है या फिर फिंगर से किया, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी दूसरी वाली आईज है उस पर मेकअप करूँगी, उसमें मैं थोड़ा डिफरेंट मेकअप करूँगी, वो भी फिंगर से ही करूँगी। तो चलिए देखते हैं। तो आप गौर से देख सकते हैं मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है इस पर,
ठीक है, मुझे जैसे हमने पहले वाले उसमें किया था सेम वही प्रोसेस है। मैं ब्लैक शेड ही लूँगी, इसको भी ये कॉर्नर है उस पर मैंने लगाया है। लगाने के बाद इसको इस तरह देख सकते हैं सर्कुलर मोशन में लाना है, देखिए। उसके बाद मैं थोड़ा अलग कर रही हूँ ताकि ये डिफरेंट दिखे, तो मैंने ग्रीन वाला शेड है वो लिया है और इसको इस तरह अप्लाई करूँगी अपनी आईज पे। देखिए ग्रीन वाला शेड जो है, तो आप देख सकते हैं ग्रीन वाला मैंने यहाँ अप्लाई किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। थोड़ा ब्लैक और लेंगे, तो आप देख सकते हैं। फिर मैंने इसका ग्लिटर वाला शेड लिया है, ग्रीन है मेरे पास। अगर आपके पास ग्रीन ना हो तो आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैं सेंटर में ही लगाऊंगी, कहीं और नहीं लगाऊंगी। सो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने आईज का कैसा मेकअप किया है। इसके बाद एक और ट्रिक, जैसा मैंने इस वाली आईज पे किया है, देखिए आप देख सकते हैं ऑरेंज शेड है ये और फिर पीछे ब्लैक है और ये सिल्वर मतलब गोल्डन है कॉपर टाइप में। तो मैंने ब्लैक शेड लूँगी आई शेड वाला, अपने आईज के नीचे इसको हल्के हाथ से रब करूँगी। उसके बाद मैंने रेड वाला शेड लिया था, उसको हाफ में लगाऊंगी, देख सकते हैं आप। ऐसे ही मैं इस वाली आईज पे करूंगी। पीछे डार्क शेड लेंगे हम, देखिए इस तरह। उसके बाद जो ग्रीन शेड मैंने अपनी आईज पे अप्लाई किया है वो लेंगे। पीछे अपना ब्लैक, देन अंडर आई वाला जो पार्ट होता है इसमें मैंने कॉपर लगाया, तो मैं यहाँ कॉपर ही यूज़ करूँगी। यहाँ मैंने ग्रीन लगाया तो मैं इधर ग्रीन ही यूज़ करूँगी। आप कोई भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये मैं एक मतलब एडवाइस है मेरी तरफ से, जिससे कि आपकी आँखें और ज़्यादा खूबसूरत दिखें। सिंपल वे आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह, इसमें मैं गोल्डन टच दूंगी। इधर लाइट से कलरफुल ना दे तो अच्छा लगेगा, कलरफुल ना रहे तो। अभी आप देख सकते हैं, यू कैन सी अभी मैं इसमें आपको थोड़ा सा मस्कारा लगा के दिखा दूंगी ताकि आपको पता चले कि कैसा लग रहा है। अभी आप देख सकते हैं वैसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा मस्कारा भी लगा लिया है, देखिए। तो ये लुक थोड़ा अच्छा सा और हाईलाइट हो रहा है आईज का मेकअप, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपको अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसके लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। और आप अगर चाहते हैं कि हम इसी तरह और वीडियो बनाते रहें तो उसके लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक अगली सी नई ट्रिक के साथ।
तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर टू ऑल।